क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिक्का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने पे इन चारों में से कोई वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं डी मॉर्गिस थ्योरम। डी मॉर्गिस थ्योरम, इसमें क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स के पावर अगर एन दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स के पावर वन। इसका ही क्वेश्चन इसका यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे कॉस एक्स वगैरह लिखा है तो पहले इसको कॉस एक्स वाले में कन्वर्ट कर देंगे तो वन बाई रूट टू होगा प्लस आई बाई रूट टू होगा पावर एट प्लस वन बाय रूट टू माइनस आई बाय रूट टू पावर एट। भैया इसको आप साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में, कॉस पाई बाय फोर प्लस आई साइन पाई बाय फोर के पावर एट प्लस कॉस पाई बाय फोर माइनस आई साइन पाई बाय फोर के पावर एट। अब इसको डी मॉर्गिस इक्वेशन के हिसाब से क्या करेंगे, एट पाई बाय फोर हो जाएगा प्लस आई साइन एट पाई बाय फोर हो जाएगा, यहां पे क्या होगा प्लस कॉस एट पाई बाय फोर माइनस आई साइन एट पाई बाय फोर। इसको अब सॉल्व करेंगे, कॉस टू पाई प्लस आई साइन टू पाई प्लस कॉस टू पाई माइनस आई साइन टू पाई, यहां से साइन दोनों कट जाएंगे। क्या आएगा, टू कॉस टू पाई, कॉस टू पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस टू पाई की वैल्यू होती है वन, ये वैल्यू हो जाएगी वन और ये इक्वल हो जाएगा टू के, तो ऑप्शन नंबर थ्री होगा। हाय, मेरा नाम है आनंद द्विवेदी और मैं इस चैनल पे ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें कि अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए तो आपको, अगर मैं नए वीडियोज़ डालूँ इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू इस वीडियो पर आने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करने के लिए। जय हिंद।